वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एनीटाइम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ ली थी। ये हाइड्रोकार्बन और उससे डिराइव्ड कंपाउंड्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देखें तो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं, लाइक प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में देखें तो वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फूड जो हम लेते हैं डेली, लाइक हम अगर खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसमें जो हम ब्रेड खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, एग में प्रोटीन है, उसके अलावा लिपिड्स हैं, तो ये सब ऑर्गेनिक इन नेचर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेडिसिन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेचुरली काफ़ी सारे जो एनिमल्स और प्लांट ओरिजिन की मेडिसिन हैं दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। उसके अलावा क्लॉदिंग के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही यूज होते हैं। जैसा कि आप कॉटन को देखें तो उसमें सेलुलोज है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज भी किया गया है। जो सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें नेचुरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी शॉर्टेज को पूरा कर दिया। अब इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उसमें एग्जांपल आती है प्लास्टिक की। हम ये कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन अ प्लास्टिक वर्ल्ड। हमारे ये काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले वुड की या फिर मेटल की होती थी प्लास्टिक ने इसको रिप्लेस कर दिया है। प्लास्टिक इज ऑर्गेनिक इन नेचर। इसके अलावा सिंथेटिक रबर, मेडिसिन जो हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज मेडिसिन बना रही हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। इसके अलावा जो प्रेजर्वेटिव्स हैं जो चीज़ों को स्टोर करने के लिए फूड और इसी तरह से दूसरे जो कॉस्मेटिक्स हैं उन्हें स्टोर करने के लिए यूज होते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसके अलावा पेंट्स, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज होने वाली चीज़ें हैं, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज, दे आर ऑल ऑर्गेनिक इन नेचर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी लाइफ के ऑलमोस्ट हर जगह पे जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने जो नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी शॉर्टेज को पूरा कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं अब सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम इसके नेचुरल सोर्सेज देखें तो मेजर हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं। इसके जो मेन नेचुरल सोर्सेज आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो हैं पेट्रोल, कोल एंड नेचुरल गैस। ये थ्री मेजर मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं। सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे कोल को। कोल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बड़ा सोर्स है। कोल कोयला जो कि पहाड़ों से निकलता है और इसको जलाया जाता है हीट ऑब्टेन करने के लिए, उसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी जो हिली एरियाज हैं वहां पर यूज होता है घरों को गर्म रखने के लिए। कहाँ कहाँ आगे ये यूज होता है उसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। कोल जो है वो नेचुरली किस तरह से बनता है, जमीन के अंदर जो ट्रीज हैं जब वो दफन हो जाते हैं तो काफ़ी सारे सालों के बाद ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स काफ़ी लंबा अरसा लगता है। यानी अभी जो हम कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब तक ये दोबारा से रिस्टोर नहीं हो सकता। तो ये जो रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ करते जा रहे हैं जैसे कि पेट्रोल है एक दफ़ा हम यूज़ करते जा रहे हैं तो ये ख़त्म होते जा रहे हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं कि कोल अर्थ में बनता कैसे। उसके लिए आप ये फ्लो शीट डायग्राम देख लें कि वुड जिसमें आता है वुड कहाँ से आएगी, डेड प्लांट्स और ट्रीज से। वो अर्थ के अंदर जब दफन हो जाती है उसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में वो कन्वर्ट हो जाती है इनकी पीट। पीट जो है ये एक पोरस सा मटीरियल बन जाता है जिसके ऊपर जब अर्थ की
लेयर्स के नीचे चली जाती है ये पीट, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई होता है, जिसकी रिजल्ट में ये लिग्नाइट में कन्वर्ट होगी। लिग्नाइट मजीद प्रेशर के बाद कन्वर्ट हो जाता है इंटू बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो है ये कोयले की एक लो क्वालिटी आती है, जो मजीद प्रेशर के बाद हाई क्वालिटी जो कोल है जिसे हम एंथ्रासाइट कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और इस सारे प्रोसेस में 500 मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है। अब कोल को जो है, जैसे कि हमने देखा कि एज अ फ्यूल जो है इसे सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है, इसको हीटिंग के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कोल को जब हीट किया जाता है अबाउट 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कोल कन्वर्ट हो जाता है तीन चीजों में। क्या क्या बनता है? कोक बनता है, कोल गैस बनता है और कोल टार बनता है। बर्निंग के बाद जो एंड पे ब्लैक मटेरियल रह जाएगा उसे हम कोक कहेंगे। उसमें मेनली कार्बन होता है। कोल गैस क्या है? जब कोल की बर्निंग हो रही है तो जितनी गैसेस रिलीज होंगी वो कोल गैसेस हैं। कोल टार जो एक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में कोल में से निकलता है जब उससे हीटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, तो इसके अंदर काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं कोल टार में, और इस कोल टार को ही फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप में लेके जाया जाता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के रिजल्ट में डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। तो इस तरह से जो कोल है वो काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में कोल जो है वो कितना है और कहाँ कहाँ मौजूद है। पाकिस्तान में टोटल कोल के जो आप कह लें कि रिसोर्सेज हैं वो 184 बिलियन टन मौजूद है। और इस सारे कोल में से जो 80% कोल है इसे कहाँ यूज किया जाता है? जो ईंटों के भट्टे हैं जिसमें ईंटों को बेक किया जाता है, ब्रिक्स को, और ईंटें बनती हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं, वहाँ पर 80% कोल यूज होता है। उसके अलावा लाइन की जो भट्टियाँ हैं वहाँ पर यूज होगा, और इसमें से बाकी जो बन जाता है इसकी बहुत कम क्वांटिटी जो है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होती है। डोमेस्टिक पर्पस का मतलब है कि घर में कमरे को गर्म करने के लिए या फिर हीटिंग से जो भी काम लिए जा सकते। कोल को गवर्नमेंट जो है हमारी वो एफर्ट कर रही है कि कोल क्योंकि नेचुरली पाकिस्तान में मौजूद है तो कोल बेस्ड जो है वो पावर यूनिट्स लगाए जाएं, यानी कोयले से बिजली बनाई जाए। तो ये वाला जो सारा काम है ये भी अंडर प्रोसेस है। पाकिस्तान में सिंध कोल अथॉरिटी है जो कि काम कर रही है मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलोचिस्तान और केपीके के अंडर। और इन सब का भी ये क्या है मेन पर्पस कि वो कोयले से बिजली बनाएं, और ये वाला सारा काम अभी अंडर प्रोसेस है। ये तो पहला सोर्स हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सोर्स नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो अब घरों में भी हम खाना पकाने के लिए जो गैस यूज करते हैं वो नेचुरल गैस है। इसके लिए दूसरा नाम यूज होता है सुई गैस। सुई गैस इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि बलोचिस्तान में सुई के मुकाम से ये निकलती है, इसलिए इसे सुई गैस भी कहा जाता है। नेचुरल गैस जो यूज होती है घरों में उसमें जो मेन पोर्शन है, मेजर पोर्शन, वो किसका है? मीथेन का। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो ब्यूटेन भी प्रेजेंट होता है, यानी लो बॉइलिंग जो हाइड्रोकार्बन हैं वो इसके अंदर मौजूद है। जो नेचुरल गैस है ये भी किस तरह से बनती है? अर्थ के अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी जितना भी ऑर्गेनिक मैटर जिसमें पत्ते, दरख्त या दूसरे जानदार भी जो डेड हो जाते हैं वो जमीन के अंदर दफन होते हैं, और डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में जो है वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट होता है। नेचुरल गैस जो है वो पाकिस्तान में चीप है, इसलिए इसे पावर जनरेशन में भी यूज किया जाता है, सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और इसके अलावा घरों में भी आप यूज करते हैं और इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल यूज करते हैं।
आज हमने दो सोर्सेस पढ़े हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कोल एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट जो पेट्रोलियम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसी तरह के टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह।